हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। आज मैं बनाऊँगी पतोड़े, हिमाचली डिश। तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी जी के घर। मैंने सोचा क्यों ना ये डिश मम्मी जी के पास जाके बनाई जाए, और साथ में ब्लॉगिंग भी करती जाऊँगी और ये डिश भी बनाऊँगी और आपको भी बताऊँगी। तो फाइनली मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ, और मुझे लग रहा है ये सभी सोए होंगे क्योंकि 4-5 बजे उठते हैं। फिर ये मैं सभी को जाके डिस्टर्ब करूँगी। मैं अब इतनी गर्मी में इन्ना ले रहा क्या भाया। तो ये है हमारी हिमाचली डिश। ये बनते हैं अरबी के पत्ते के, और तो यार टेस्टी बनते हैं ना। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। मेरे फेवरेट है और मुझे बनाना भी बड़ा ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं और मम्मी जी करेंगे, देखेंगे पत्ते कि साफ है कि नहीं, फिर उन्हें करेंगे अच्छे से वॉश। कूड़े कूड़े तो थोड़े छाड़। स्टीमर में बनाती हूँ ना घर पे ना, कुकर में भी बन जाते हैं, स्टीमर में भी बन जाते हैं। मम्मी के पास कुकर है तो कुकर में बनाएंगे। स्टीमर में मैंने आपको पहले बताए भी हैं बनाने, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज भी आए थे पिछले साल बनाई थी मैंने। तो फ्रेंड्स, ये है मक्की का आटा, ठीक है। इसमें मैंने मिक्स किए हैं, ऐड किए हैं अजवाइन और सोए, इनको अच्छे से ग्राइंड किया है, ठीक है। तो अब मैं इसका बनाऊंगी डो, फिर ये जो मैं पतोड़े बनाऊंगी ना उसके ऊपर पत्ते के पीछे लगाती जाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस आटे को भरती हूँ रेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होता है कि फिर ना ये लगता नहीं है पत्ते के ऊपर, ये जो अरबी का पत्ता होता है ना इसके ऊपर लगता नहीं है। ये है ना हमारे हिमाचल वालों की सबसे बेस्ट और फेवरेट डिश है, इसलिए मैं आपको बता दें। अगर आपके वहाँ भी हो ना अरबी के पत्ते, तो इसको जरूर ट्राई करना जैसे जैसे मैं बताऊँगी। कसम से आप सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और आपके भी फेवरेट बन जाएंगे जैसे हम हिमाचलियों के फेवरेट हैं। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी। अब डालूँगी नमक, मिर्ची, तो फ्रेंड्स ये पतोड़े का जो है डो तैयार हो चुका है। बेसन का तोड़ता नहीं होता, हम बेसन का बनाते ना कुछ लोग, गरम बड़ा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अरबी का पत्ता होता है ना इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। फिर ये जो हमने डो तैयार किया हो ना मक्की के आटे का, इसको इस तरह से लगाएंगे इसके ऊपर, ध्यान से लगाना है अच्छे से लगे, ताकि क्योंकि टेस्ट जो आता है ना वो इसी का ही आता है अच्छे से। अब ये नेक्स्ट रखने जा रही हूँ मैं, तो आपको ना इस तरह से रखना है उल्टा करके, ठीक है ना। इसकी लेयर बनाते जाना है वन बाय वन। मुझे ना पतौड़े बनाना पसंद है, मुझे खर लग रहा है कहीं जड़ा लगता ना, मुझे ना लगता पतौड़े बनाना ज़्यादा, मैं कल कल ही बना लूँगी इसको। मैं ताई की नो बनाना गालियाँ मेरा मेरा बेबी खड़ा रो रो लेना पड़े नारो पिता मेरे आतियाँ दे दुख पड़े नारो बाबा मेरे आतियाँ दे दुख पड़े तो भी चलता थोड़ा सस मैं गाड़ी चेता। ये फोल्ड करने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसे फोल्ड कैसे करना है, सबसे पहले इसे करेंगे इस तरह से वन साइड से फोल्ड, और इसे भी यहाँ पे लगाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छा ये जो हमने तैयार किया हुआ मक्की का, देन फिर इस तरह से
अब आ गया इसका मेन पार्ट, इसे रोल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इसे वन साइड से इस तरह से पकड़ेंगे, इसे इस तरह से कस के फोल्ड कर रोल करते जाना है। इस तरह से इसको रोल करें, देखो कितना प्यारा बना और कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। मैं पकौड़े बनाने में एक्सपर्ट हूँ। अब मैं ऐसे करूंगी, सबसे पहले बंद बड़ी दूरी। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले से, अरे मैं कटो ही आना तो ठीक रहेगा। इस तरह से देन फिर इस तरह से इसे बांधना है, काट दिया दूर कर दिया, ये लंबा तो दूर कर दिया। ये लो, देन इसको इस तरह से रोल करके, अब मैं घर पे बनाती हूँ ना तो मैं सिर्फ यही बांधती हूँ, ये वाला नहीं बांधती हूँ। अब ये कुकर में बनाएंगे तो इसको इसमें भी बांध देंगे। अब ये हल्दी के पत्ते में इसको अच्छे से रैप करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। इसी का ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो मैं चल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ घर का, ला के निकली बॉडी पीछे काटे भाई। तो फ्रेंड्स जब इनको कुकर में बनाना होता है, इस तरह से पहले लकड़ियाँ डालनी पड़ती है नीचे और थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, फिर इस तरह से सेट करना पड़ता है इनको। ये देखिए, तो इस तरह से सेट करके हेलो सिर्फ इसको एक सीढ़ी लगवानी है, ज्यादा नहीं। ये देखिए पतरोड़ों को मैंने डाल दिया स्टीमर में, अब मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने दूंगी, फिर ये 10 मिनट में पक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पतोड़े जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो पहले मैंने अच्छे से कूल डाउन होने दूंगी फिर निकाल के रखूंगी, अगर ऐसे निकालूंगी ना तो ये थोड़े से टूट जाएंगे, तो इसे कूल डाउन होने के बाद निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पतोड़ा अच्छे से बन चुका है, तो अब मैं इसे करूँगी कट, इस तरह से कट करना है इनको, फिर करना है तेल में फ्राई। यहाँ पर मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए किरण ने आज पतरोड़े बनाए हैं, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, और पापा जी ने तो पूरा अपना तैयारी में है पापा जी, क्योंकि पापा जी की बिल्कुल फेवरेट हैं ये। तो चलिए करते हैं इनको स्टार्ट खाना और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।